Good evening guys, it's 9 o'clock and you are watching Spoken English Show. आज हम डे 3 में बात करेंगे एक नए स्ट्रक्चर के बारे में, हाउ अबाउट। दो स्ट्रक्चर्स हमने सीख ली है, आप में से बहुतों ने कमेंट्स किए हैं, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, कुछ गलतियां थी, काफ़ी सारे सही सेंटेंसेस भी थे, लेकिन आपने प्रयास किया, उसके लिए सैल्यूट आपको। आप ऐसा ही प्रयास रेगुलर करते रहिए। अपने आसपास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी चैनल से जोड़िए, ताकि जो आप सेम चीज़ें सीखेंगे वो सेम चीज़ें डिस्कस करने से बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हमें सेंटेंस में यूज़ करना है। सो आज हम सीखते हैं हाउ अबाउट। तो हाउ अबाउट का मतलब क्या है, हाउ अबाउट से कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे देखिए, एक फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया हुआ है, हाउ अबाउट अ कप ऑफ टी। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पता लग जाएंगे आपको कैसे जोड़ना है, क्योंकि सबसे पहले हम हिंदी में सेंटेंस देखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी, और उसके बाद में एक प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें हम हिंदी टू इंग्लिश लेकर चलेंगे। हाउ अबाउट अ कप ऑफ टी, इसका मतलब है चाय का कप कैसा रहेगा। ये एक प्रकार का ऑफर या सजेशन होता है किसी व्यक्ति को। जैसे मान लीजिए कोई 4-5 व्यक्ति मिलकर बैठे हैं, कोई आप एकदम बोर हो रहे हैं और किसी ने कह दिया कि भाई अब अगर चाय मंगा ली जाए तो कैसा रहेगा, तो उसके लिए आप बनाएंगे हाउ अबाउट अ कप ऑफ टी। दूसरा है हाउ अबाउट एन आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसी रहेगी। यही बात है कि किसी ने अगर सजेस्ट कर दिया, ऑफर कर दिया, आइसक्रीम मंगा दी जाए तो कैसा रहेगा। अगर वर्ब लगानी है कि कोई काम करना कैसा रहेगा, तो वर्ब लगेगी ing फॉर्म में। ये कुछ बेसिक्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है किस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो सीधा अगर ऑब्जेक्ट जोड़ना है जिस चीज़ के बारे में आप कह रहे हैं कि वो चीज़ कैसी रहेगी, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस करना सीखिएगा इसमें। हम किसी व्यक्ति के बारे में नहीं पूछ रहे हैं वो कैसा है, हम किसी वस्तु के बारे में नहीं पूछ रहे हैं कि वस्तु कैसी है, हम ये पूछ रहे हैं कि अगर आप ऑफ़र करना चाहते हैं, कोई गेस्ट आपके घर पर आया हुआ है और आपने उन गेस्ट से पूछ लिया है कि आइसक्रीम मंगा ली जाए तो कैसा रहेगा, चाय मंगा ली जाए तो कैसा रहेगा, उस तरीके का सेंटेंस ये है। लेकिन अगर आप वर्ब जोड़ते हैं तो उस वर्ब को ing फॉर्म में प्लेस कीजिए, हाउ अबाउट ईटिंग आउट टुडे, आज अगर बाहर खाने के लिए चला जाए तो कैसा रहेगा। तो ये वर्ब जोड़ा है सीधा तो ing फॉर्म है, अगर सीधा वर्ब नहीं है तो ing फॉर्म में नहीं आएगा। अगर पहले सब्जेक्ट आ जाता तो फिर आपको वर्ब v0 बेस फॉर्म में यूज़ करनी होती, फर्स्ट फॉर्म रूप में यूज़ करनी होती। तो मैं रिपीट करता हूँ, देखिए, हाउ अबाउट अ कप ऑफ टी, चाय का कप कैसा रहेगा। हाउ अबाउट एन आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसी रहेगी। हाउ अबाउट ईटिंग आउट टुडे, आज अगर बाहर जाकर खाना हो तो कैसा रहेगा, बाहर चलकर खाया जाए कैसा रहेगा। हाउ अबाउट संडे कैसा रहेगा। अब देखिए, इसमें मान लीजिए आपने 5-4 मित्रों ने कोई क्रिकेट खेलने की योजना बनाई है, मैच खेलना चाहते हैं आप, और उसमें आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भी कौन से दिन खेला जाए, तो आपने कह दिया कि संडे कैसा रहेगा, तो हाउ अबाउट संडे। अगला सेंटेंस भी क्रिकेट से है, हाउ अबाउट प्लेइंग क्रिकेट नाउ, अब क्रिकेट खेलें तो कैसा रहेगा। आपने कहा संडे कैसा रहेगा, दूसरे ने कहा भी अभी खेल लें तो कैसा रहेगा, तो हाउ अबाउट प्लेइंग क्रिकेट नाउ। यहाँ देखिए वर्ब थी तो ing रूप में लिया है हमने। अगर आराम कर लें थोड़े समय तो कैसा रहेगा, हाउ अबाउट टेकिंग रेस्ट। हाउ अबाउट ट्यूजडे मॉर्निंग, ये वही है जैसे संडे की बात पूछी थी, तो अगर ट्यूजडे मॉर्निंग की बात करें तो वो कैसा रहेगा। हाउ अबाउट आस्किंग हर, उससे पूछ लिया जाए तो कैसा रहेगा, ठीक है। हाउ अबाउट गोइंग टू ए मूवी, अगर मूवी चला जाए तो कैसा रहेगा। समझ में आ गया आपको। तो जब भी हाउ अबाउट से क्वेश्चंस आप पूछते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस वस्तु या व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कैसा है, आप पूछ रहे हैं कि एक ऑफर है आपकी तरफ से, एक सजेशन है आपकी तरफ से कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, ये चीज़ शामिल कर ली जाए तो कैसा रहेगा। अब हम हिंदी में लेके चलते हैं सेंटेंसेस को, इंग्लिश बनानी है। आप टीवी बंद कर दो तो कैसा रहेगा। देखिए यहाँ पे टीवी बंद करना वर्ब है, इसलिए हाउ अबाउट यू टर्न ऑफ द टीवी, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जोड़ना है यू, तो हमें टर्निंग ऑफ नहीं लगाना है। हाउ अबाउट यू, अगर सब्जेक्ट हो तो आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, हाउ अबाउट यू टर्न ऑफ द टीवी, हाउ अबाउट यू टर्न ऑफ द टीवी, क्या यूज़ किया है, टर्न ऑफ, बंद करना। हाउ अबाउट यू टर्न ऑफ द टीवी, ठीक है। आज डिनर में चाइनीज़ कैसा रहेगा, डिनर लेना है, चाइनीज़ भोजन की बात करें ये कैसा रहेगा, तो हाउ अबाउट चाइनीज़ इन डिनर टुडे, हाउ अबाउट चाइनीज़ इन डिनर टुडे, हाउ अबाउट चाइनीज़ इन डिनर टुडे। वॉक पर चलें तो कैसा रहेगा, हाउ अबाउट क्या बोलेंगे, वॉक पर चलें, हाउ अबाउट वी गो फॉर ए वॉक,
हम चलेंगे डेफिनेटली, तभी तो वॉक पर चलें, आप शामिल कर रहे हैं। हाउ अबाउट वी गो फॉर अ वॉक, हाउ अबाउट अ वॉक सीधा भी कर सकते हैं, हाउ अबाउट अ वॉक, हाउ अबाउट वी गो फॉर अ वॉक, हाउ अबाउट अ वॉक दोनों हो सकते हैं। एक नई बाइक कैसी रहेगी, सीधी वस्तु जोड़नी है, हाउ अबाउट अ न्यू बाइक, हाउ अबाउट अ न्यू बाइक, तुम चुप हो जाओ तो कैसा रहेगा, हाउ अबाउट यू कीप क्वाइट, हाउ अबाउट यू कीप क्वाइट, हाउ अबाउट यू कीप क्वाइट। आप एक नई भाषा सीख जाओ तो कैसा रहेगा, हाउ अबाउट यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, हाउ अबाउट यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, हाउ अबाउट यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। झूठ बोलना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट टेलिंग अ लाई। झूठ बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ करते हैं टेल अ लाई, और सच बोलने के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्पीक द ट्रुथ। याद रखिएगा, लाई से पहले ए लगेगा, ट्रुथ से पहले द लगेगा, स्पीक द ट्रुथ, टेल अ लाई, हाउ अबाउट टेलिंग अ लाई, हाउ अबाउट टेलिंग अ लाई, हाउ अबाउट टेलिंग अ लाई। गेम को फिर से स्टार्ट करना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट, हाउ अबाउट बताइए क्या बोलना है आपको, हाउ अबाउट स्टार्ट द गेम अगेन, हाउ अबाउट स्टार्टिंग द गेम अगेन, बिल्कुल ing फॉर्म लगा दीजिए, हाउ अबाउट स्टार्टिंग द गेम अगेन, हाउ अबाउट स्टार्टिंग द गेम अगेन, ठीक है। या सीधा आप ये भी कह सकते हैं, हाउ अबाउट रीस्टार्टिंग द गेम, अगर आप अगेन नहीं जोड़ना चाहते हैं तो रीस्टार्ट कर दीजिए शुरू में, हाउ अबाउट रीस्टार्टिंग द गेम, हाउ अबाउट रीस्टार्टिंग द गेम, बोथ आर राइट। अंग्रेजी में बात करना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट टॉकिंग इन इंग्लिश, हाउ अबाउट टॉकिंग इन इंग्लिश, हाउ अबाउट टॉकिंग इन इंग्लिश। तो आज हमने सीखा है हाउ अबाउट का यूज़, तो तीन दिनों से हमने तीन स्ट्रक्चर सीखी हैं, बार बार में यूज़ करिए, खूब सारे सेंटेंसेस बनाइए, लेकिन सही तरीके से बनाइए। कमेंट्स के जरिए बताइए सेशन कैसा लग रहा है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए सेशन को, क्योंकि इंग्लिश सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले दिन बताया था कि इंग्लिश कोई भी सीख सकता है, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति सीख सकता है, इसमें कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा लिखा है तो भी सीख सकता है, हाईली क्वालिफाइड है तो भी सीख लेना चाहिए, लेकिन इंग्लिश सीखेंगे तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप सोसाइटी में बात कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, सी यू टुमारो एट 9:00 ऑन द सेम चैनल, टिल देन गुड बाय।